मैं आपका रणजीत सिंह मानागढ़ी गांव है आपका और आपके यहां पे सड़क बन रही है, हेमा मालिनी ने आपके गांव को गोद लिया है। हाँ। तो कितना काम सही हुआ है, कितना काम गलत हुआ है? सही क्या काम हुआ ही नहीं है। अच्छा। हाँ, सड़क तो ये सरकार का प्रोजेक्ट है, सरकार का काम है, जो सरकार आएगी वो करेगी, पहले से भी प्रयास जारी है। संजय लाठर ने भी इसका प्रश्न उठाया था विधान परिषद में, तो ये किसी ने इनाम नहीं दिया है। अच्छा, ये तो रूटीन का काम है, रूटीन के काम तो होते ही। रूटीन के काम 15 साल में होते हैं या 5 साल के अंदर? नहीं, 5 साल के, 15 साल में क्यों, 5 साल पहले भी यहाँ सड़क बनी, काली बनी थी। जब एयर इंडिया कुछ नहीं जानते, एयर इंडिया केवल ये जानती है कि हमको कहाँ कितना स्ट्राइक कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन इसको आप तो इंग्लिश ज्यादा, इंग्लिश पर रखे तो ज्यादा। एक बात बताइए इमरान खान, एक बात सुनिए, आपकी बात सुनिए, आपकी बात हम मानते हैं कि बीजेपी ने कराया, उसके बाद ये चुनावी स्टंट था, एयर स्ट्राइक। देखो, राम मंदिर का मुद्दा ढीला पड़ गया, अब ये चुनावी स्टंट ये है, एयर स्ट्राइक होता है, एयर स्ट्राइक होता है, उसके बाद पाकिस्तान कहता है कि हमारे यहाँ पे अटैक हुआ, उसके बाद जितने भी विरोधी पार्टियां हैं सबने सबूत मांगना शुरू कर दिया। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि वहां पे एयर स्ट्राइक हुआ या नहीं हुआ? नहीं, एयर स्ट्राइक हुआ होगा, लेकिन वहाँ पाकिस्तान की चिड़िया नहीं मरी है। नहीं मरी है? नहीं, अभी आर्मी की जो पाकिस्तान आर्मी है। हाँ। वो अपने आप को प्रूव कर चुकी है कि जब वहाँ के लोगों से, लोकल लोगों से मिलते हैं तो वहाँ पे कहते हैं, अपने आप में बात कर रहे हैं, वो कहते हैं 200 लोगों के आसपास। नहीं, आप इनकी बात सुनो, ये कह रहे हैं, सुनिए सुनिए, एक मिनट, वहाँ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी एयरफोर्स ने, वहाँ में तुमने सुनी हुएगी, सबने सुनी हुएगी, जो बताओ कितने काउंट करके एयरफोर्स ने बता दिए, इतने काउंट करके मरे, एयरफोर्स तो कुछ वो देगी, एनआरटीओ को जानते हैं आप? नहीं, नहीं, डेटा देगी कोई सी खुफिया एजेंसी ने, कोई डेटा दियो तुम बता दो, तुम जबरदस्ती। एक सेकंड, मैं 350 बताए, योगी ने आके पर 400 बताए। एक सेकंड, अगर मैं बता, ऑफिशियल डेटा हो तो बता दो तुम, मैं बता रहा हूँ ना ऑफिशियल डेटा। एनआरटीओ एक एजेंसी है जो अटैक होने से पहले वो सक्रिय थी, उसने 300 मोबाइल की लोकेशन उस जगह पाई गई, उसके बाद जब अटैक हुआ तो वहां पर 300 मोबाइल डिस्कनेक्ट थे। अच्छा। ये वहां की रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट है, ऑफिशियल रिपोर्ट में कह दी क्या 300 मर गए, ये कही है वाने? तो उसमें ऑफिशियल कैसे, मोबाइल के सिग्नल, वायुसेना के अध्यक्ष कह चुके हैं कि हम वहां पर लाशें गिनने नहीं गए थे। मेरी बात सुनिए, हमें टारगेट दिए गए, हमने वो टारगेट हिट कर दिया, हमें कोई मतलब ना कितने मरे कितने ना मरे, हमें यह चीज तो कोई मतलब ना है। वही चीज तो है, तो वो टारगेट कहां हिट करे, एनआरटीओ ने बोला ना, एनआरटीओ ने बोला ना 300 मोबाइल एक्टिवेट थे वहां पे। अरे यार, ये जो मोदी जी ने एयर स्ट्राइक किया है, इसके बारे में हम एक शब्द कहेंगे बस, या तो राम ने रावण को घुस के मारा और या मोदी ने पाकिस्तान में आतंकवादियों को, अगर कोई सीमा के जैसे ये भीतर घुस के मारा है, ऐसे ना तो पृथ्वीराज चौहान ने मारा, सीमा से युद्ध हुआ, जितने भी युद्ध हुए सीमा से, घर में घुस के मारा है तो मोदी जी ने और किसी ने नहीं। और जो एयर स्ट्राइक हुआ है, एयर स्ट्राइक हुआ है, इसमें इसमें बोलते हैं कि गिनती, एक बस रेत के कण आप गिन लेंगे, आप बताइए, तो 1 किलोमीटर का जो एरिया नष्ट हो गया है, कुछ नहीं छोड़ दिया, हाँ कुछ नहीं, जिनेवा की वजह से अभिनंदन वापस आएगा, कछु नहीं, तो अपना कोई कुछ कभी सौरभ कालिया क्यों नहीं आया जबरदस्ती? अरे सर, अभिनंदन आ गया, सौरभ कालिया क्यों नहीं आया? अंग भंग करके भेजा पाकिस्तान ने सौरभ कालिया को, कुलभूषण जाधव को आज तक फांसी नहीं दे पाया। पीएम बनेंगे दोस्त, एक मिनट, ये क्लियर हो गया है। आपने कहा अभिनंदन, एक सेकंड, अभिनंदन आपने कहा जिनेवा एक्ट के अंदर आई वापस, तो एक बात बताइए, जब 90,000-92,000 सैनिकों को हम जिनेवा एक्ट में हम वापस भेज सकते हैं, वो भी 6 महीने खिलाने के बाद, और बाकी के जो हमारे 58 सैनिक आज तक नहीं आए जिनेवा एक्ट के अंदर, तो उनके लिए क्या कहेंगे? वो जिनेवा एक्ट के जो रूल्स हैं वहाँ के अंतर्गत आ रहे हैं, देखे हैं तुमने, बताओ वो कहाँ है? क्योंकि जिस समय के 92,000 अगर जो 58 सैनिक जिनेवा एक्ट के अंतर्गत रूल्स में आते ना, तो वो अभिनंदन हुए ऐसे ही ना छोड़ते। अभिनंदन को छोड़ने का रीजन फिर, ये है, भारत सरकार करका रही है, वो 58 ने जैसे अभिनंदन छुड़वा लिया, 58 छुड़वा लो तुम, उससे पहले ये तो काम उसी समय होना चाहिए था ना? अब तो सरकार है तुम्हारी, डेज में जिनेवा एक्ट सरकार है, जिनेवा एक्ट जहाँ तरीका से प्रभावित है कि तुम क्वेश्चन हमके पूछ रहे हो, वही तरीका तो तुम सरकार है पूछो, क्या 58 कैसे? राम मंदिर से तो हट गए, मामला ढीला पड़ गया, अब ये निकाला है कि ये एयर स्ट्राइक कर दी हमने। लास्ट सवाल मेरा, ये कौन मरे, कौन थे मारे, कौन थे मारे, किसने थे मरे, कौन थे?
मोदी गांव का लड़ी लास्ट सवाल, मोदी ने कोई छोड़ा है क्या? आदेश तो दिया है। क्या आदेश होती? प्रधानमंत्री का आदेश बहुत बड़ा होता है भाई। भाई वाह, सेना को पहले आदेश का देना पड़ता, सेना को आदेश। 46 मर गए थे इसीलिए आदेश दिया। पहले भी बहुत अटैक हुए, 46 मरे एक साथ। आज तक बताओ कांग्रेस ने कब कैसे, कांग्रेस तो मैं सच्ची कहते पाकिस्तान की कांग्रेस ने दो टुकड़े करवाए। कांग्रेस ने कभी कांग्रेस भी देने दो टुकड़े करवाए पाकिस्तान। बीजेपी ने किया कभी कांग्रेस? चलो जब कांग्रेस की सरकार थी, पहले किया मोदी, कांग्रेस की सरकार थी तब सब जीत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बहुत भाषण है ये। हेलो भाई साहब, कांग्रेस की सरकार में सर्वजीत को नहीं छोड़ा था, ये छोड़ा है शेर की दहाड़ से छोड़ा है। से मोदी शेर है और शेर की जब दहाड़ आती है तो सब गीदड़ भाग जाते हैं। दहाड़ से छोड़ा है, से नहीं छोड़ा है। शहबाज शेर क्या तू शेर है? क्या तू शेर है? ऐसा है भाई साहब, मोदी जी ने इलाहाबाद में जाकर के कुंभ में जो स्वच्छता कर्मी थे उनके पैर धोए हैं और लोग उनको वोट नहीं देना चाहते जबकि वो स्वच्छता कर्मियों के पैर धो रहे हैं। यहाँ पर जो वोट नहीं देना चाहते कि आप उनसे ये पूछिए क्या उन्होंने कभी अपने माँ बाप के पैर धोए हैं? उन्होंने अपने माँ बाप के पैर नहीं। मोदी जी ने चौकीदार के पैर धोए। कितना बढ़िया व्यक्ति हो सकता है वो देश के लिए? बहुत बढ़िया। आप इस चीज को सोचिए, जो लोग उसको वोट नहीं देना चाह रहे हैं क्या उन्होंने अपने कभी माँ बाप की सेवा की है? क्या उनके पैर कभी धोए? सुनो 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 भैया, माँ बाप के पैर तो सब छुए। ये दल निश्चित करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा, जो महागठबंधन का कैसे होगा। नहीं, वो जो दल इकट्ठे हुए हैं वो तय करेंगे। अब ये तो मोनोपोली है कि एनडीए बना दिया। अखिलेश यादव जी कह चुके हैं कि मायावती प्रधानमंत्री हो सकती है। बहुत बढ़िया, हमारे क्षेत्र का विकास मायावती ने किया था। हमारे क्षेत्र का विकास ये हाईवे बनवा करके मायावती ने किया था, या फिर जमुना का पुल बनवा करके चौधरी अजीत सिंह ने किया था, ये इन्होंने क्या किया है? मुलायम सिंह जी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। ये तो अभी ये उनकी बात को हम नहीं कहेंगे। ये तो अलायंस तो है ही ना, अलायंस तो है, लेकिन ये तो अब मैं तुम्हारे पैर छू या तो आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। गाली छोड़ो ही दोगे तो मुझे तो मतलब इनडायरेक्टली आशीर्वाद दे दिया उन्होंने। हाँ, इनडायरेक्टली आशीर्वाद। ये तो अपने बेटे के लिए भी कह देते आशीर्वाद उसको भी दे देते। जब बेटा मांगेगा तो बेटे के लिए लड़ रहे हैं वो, बेटे के लिए लड़ाई क्यों लड़ेंगे? क्योंकि मंच पे उनकी तीखी नोक झोंक भी दिखाई देगी है। हो जाती है नोक झोंक, बाप बेटा हो जाती है कभी कभी। ये तो बाप बेटे कभी चाचा भी अलग चले गए। चाचा तो जाते ही जाते, चाचा तो क्यों नहीं जाते? चाचा चले गए तो क्या हुआ, फिर भी वहाँ जाएंगे। तो प्रियंका गांधी अभी बोट के रास्ते, बोट का गई है अभी संगम से वाराणसी के लिए। जी जी, तो उसको लेकर के क्या कहते हैं हम, कहीं महागठबंधन में कहीं दिखेगा वो इफेक्ट? नहीं, उसका महागठबंधन पर नहीं दिखेगा, उस पर बीजेपी पर दिखेगा। क्योंकि जब प्रियंका गांधी जाती हैं भीम आर्मी के अध्यक्ष से मिलने तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण किया है दलित वोटों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं मायावती जी की वोट तो खिसकेगी। नहीं, नहीं, मायावती खिसकेगी तो कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस और ये तो मैत्रीपूर्ण चुनाव है इनका, तो इनका कोई चुनाव है तो मैत्रीपूर्ण चुनाव है, इससे कोई असर नहीं आएगा। तो ये बताइए, कांग्रेस कहीं ना कहीं महागठबंधन को सपोर्ट करेगी? सपोर्ट करेगी या वोटों में गिराएगी? वोटों में गिराएगी नहीं, क्योंकि जब प्रियंका गांधी दलित के अध्यक्ष से मिलती हैं, फिर उधर आपका मायावती के प्रभाव को वो कम नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। नहीं, नहीं। तो फिर उनका वोट बैंक कहाँ है? कौन नहीं रहेगा? जब हमसे अलग है तो नहीं रहेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, क्या नाम है आपका? IMN राजकमल सिंह। राजकमल जी, गांव वाखेड़ा, डिस्ट्रिक्ट मथुरा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ सभी से, दलित हो या कोई भी हो या जाट समाज हो, केवल वोट फॉर मोदी। क्योंकि पुलवामा हमले में जितना भी जो भी कुछ हो रहा है, ये सभी वो भी जितना भी अपना दंगा कर रहे हैं, पुलवामा का जितना फर्जी पाड़ा हुआ है तुम जानते क्या है? टोटल फर्जी पाड़ा हुआ है। एयर स्ट्राइक टोटल फर्जी पाड़ा, क्योंकि अभिनंदन वहाँ पे गिर जाते हैं 24 घंटे में। अभिनंदन गिर गया, यही करवाया है, अभिनंदन गिरवा दिया, 46 मरवा दिए। क्यों मोदी का थोड़े मरा था वो? वो तो हमारे लाल मरे। मोदी ने क्या किया? क्या मोदी की साजिश थी? हाँ, साजिश थी। ये बताओ, ये जो हवाई उड़ान थी वो रद्द क्यों हुई? दूसरे नंबर पर क्या पता था कि इस गाड़ियों के काफिले में जो बीच में जो गाड़ियों बिना बुलेट प्रूफ है, किसी ने बताया? फिर रास्ता को सुरक्षित क्यों नहीं किया? लेकिन यहाँ का विधायक जो है वो एंटी मानागढ़ी था। मानागढ़ी टोटल RLD का गांव है,
और विधायक जो है एंटी मानगढ़ी था, इसीलिए काम नहीं हुए। बाकी प्रयास होते रहे, यहाँ जिले पे भी हम जाते रहे हैं और विधान परिषद में संजय राठौर ने भी प्रश्न उठाया है। प्रश्न ही उठाया या कार्य भी कराया? बोले काम भी कराया, उसने स्वीकृति करवाई है अपने टाइम पे। ये तो अखिलेश की सरकार के टाइम पे कौन से रोड की स्वीकृति कराई थी? ये मानागढ़ी, माना बाजना से मानागढ़ी पूरा हाँ बना था। हाँ अच्छा, तो अभी जो हेमा मालिनी ने आपके गांव में गोद लिया है, जो बता रहे हैं कि लाइट को दुरुस्त कराया है, ये रोड बना है, पानी की टंकी है, क्या विद्युतीकरण जैन चौधरी के टाइम पे हुआ था, 16.5 लाख का जैन चौधरी के टाइम पे विद्युतीकरण हुआ था मानागढ़ी में, और 20 सोलर लाइट लगी थी और पानी की टंकी चली थी, 10 लाख उसमें लगे थे और खरंजे लगे थे। तो ये सारे काम जैन चौधरी ने जितने करवाए, या फिर बीजेपी का करके ना जाए तो चौधरी तेजवीर सिंह ने जो काम करवाए थे वो आज तक किसी ने नहीं करवाए। अच्छा, तो अब एक बात और मैं जानना चाहूँगा, जो सोलर लाइट 20 लगाई थी उनमें से कितनी चालू हैं? सब चालू हैं, सब चालू, सब चालू। और बाकी जो लाइट जो आपके जो बदलवाए थे तार, उनमें से फिर दोबारा से अब जो योजना चल रही है उसमें बदले गए हैं या पहले ही? अब तो ये केबल पड़ गई है उसमें, अब तो केबल सब में पड़ गई है, तार उसी टाइम पे बदले गए थे बस। तो अब की बार किसकी सरकार आ रही है? अब सरकार तो जनता के ऊपर है, मानागढ़ी के ऊपर सो रही है। नहीं, आप महागठबंधन की आएगी? महागठबंधन प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री अभी ये चुनेंगे अपने आप ही, अपने आप चुनेंगे प्रधानमंत्री। तो जनता के हाथ में क्या होगा? जनता वोट डालेगी, महागठबंधन को देगी, महागठबंधन को वोट देने के बाद फिर उनका इंतजार करें कौन प्रधानमंत्री आ रहा है। इसमें नहीं करना पड़ता है क्या? किसमें? इसमें नहीं करना पड़ता, बीजेपी में नहीं करना पड़ता है। जैसे आप कांग्रेस को आप वोट करते हो तो सीधा सीधा दिख रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, बीजेपी को आप वोट करते हो तो सीधा सीधा दिख रहा है कि हमारे मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर महागठबंधन में आप ऐसा वोटिंग की जरूरत नहीं है किसी की, ना मोदी मोदी भले कुछ करो कोई नहीं। एक बात बताइए, वोटिंग वाली बात करेंगे तो हम बर्दाश्त करेंगे। एक सेकंड वो एक बात बताइए, अगर आप वोट करते हैं तो महागठबंधन में प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा? सबरे दल इकट्ठे होकर तय करेंगे इस बात को, ये हमारा तय करने का काम थोड़े, हम तो वोट करेंगे उनका। तो आप किन शर्तों पे वोट कर रहे हैं महागठबंधन के साथ? हम इन शर्तों पे कर रहे हैं कि एक तो नोटबंदी में मर गए, GST, दूसरी बात इसी सरकार ने, किसान विरोधी सरकार ने 2000 अकाउंट में भेज दिए, भीख डाल दी, 2000 भेज दिए, पूंजीपतियों का तो ऋण माफ और किसान के लिए 2000 की भीख डाली है। 1 लाख रुपए योगी सरकार ने भी तो माफ किया था? नहीं 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 किए कुछ, 1 लाख रुपए नहीं नहीं। दलना ये बात बता दो, हल्ला करोगा अकेलो मोदी, अकेलो मोदी कितने दलना ये बता दो। एक बात सुनिए, नहीं 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 मेरी बात सुनिए, अगर अलायंस है, नहीं अलायंस है, अलायंस है तो प्रधानमंत्री तो मोदी दिख रहे हैं, कोई बनवाते मतलब ना हमें। मेरा सवाल सीधा ये है, महागठबंधन से प्रधानमंत्री हमें तो जाने, हम लोग मेरा प्रतिनिधि होगा वो राष्ट्रीय लोक दल तो होगा, ठीक है ना? हमें या तो का प्रधानमंत्री का होगा, या तो पहले जो काम है ना गांव में, गांव को जो सुधार हुए हो वो राष्ट्रीय लोक दल के जनप्रतिनिधि जो का जैन चौधरी उन्नी करवाए, वाते पहले काम ना करवाए। और बात रही है कि यार सड़क की और वाकी ये आज तो ना चल रही, बहुत दिन पहले तो चल रही है प्रक्रिया, ऐसा ना कि कल ही बन गई है, 5 साल निकल गए, 5 साल में शुरुआती साल हम चुनाव बन गई, शुरुआती साल हम चुनाव बन गई। आज ये बताओ तुम, सांसद ने गोद लिया है तो आपको ये बताइए कि कैसा लगा है और कितना काम? बहुत बुरा लगे हो, कोई काम ना करो, कोई काम ना, कोई काम ना। सड़क तो बन रही है, सड़क अब बन रही है तो चलोगे तो अभी एक साल पहले लिया उसने, एक साल पहले गोद लिया, सड़क अब बन रही है, चौमासे में तंत्र पानी में है जाए। 5 साल में कहां गई सरकार? केंद्र सरकार में है, कोई काम नहीं हुआ। मायावती ने कोई काम नहीं किया इस गांव के लिए, कोई भी हमारे यहाँ काम किया जयंत चौधरी ने, पानी की व्यवस्था करिए, 3-3 टंकी लगवा दी, लोग बाग बच्चे औरतें दूसरे गांव से पानी लाते थे और यहां पानी पहुंचाया उसने। शौचालय बने हैं नहीं बने हैं? शौचालय प्रधान ने गड़बड़ी कर दी, सब शौचालय में नहीं बने, अपने ने दे दिए कछून, ने दे दिए कछून के ने खाए गए, पता ना क्या करोगे। हमारा तो उन्होंने करवा दियो साहब, टंकी को उद्घाटन करवा, सड़क बनवा दे, सब काम करवा दियो, मोदी आना चाहिए जी। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनना चाहिए। अच्छा हाँ, पर यहाँ सांसद से कोई चुना जाए इससे हमें मतलब नहीं। आपका सांसद के लिए किसको वोट होगा? सांसद अब पता नहीं कौन खड़ा है, अब महागठबंधन के साथ है या हम किसी गठबंधन के साथ नहीं है।
तो किसके साथ है? मोदी के साथ है। अच्छा, वोट मोदी को करेंगे? वोट मोदी को ही देंगे। अच्छा, और नाराजगी भी है सांसद? नाराजगी तो इसलिए काम नहीं हुआ है। अच्छा। और जब वोट पड़ेंगे, जब मन कित को बदल जाए, या हम कह ना सके। अच्छा, हाँ, या बदल भी सकता है? बदल सके। अच्छा, जो यहाँ आएगा हमारी सुनेगा, हम वोट उसको देंगे।